हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 5, मंगोस बिकम्स किंग। चैप्टर 5 ए न्यू चैप्टर। इसके पहले सबसे पहले इसमें एक्सरसाइज हम इसकी फिल करेंगे, वार्म अप फिल करेंगे इसकी। ए नंबर, लुक एट दिस फूड चेन, इट शो हाउ एनिमल्स नीड अदर एनिमल्स टू लिव। ये फूड चेन है आपकी, ये शो करती है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल्स पर किस तरीके से डिपेंड करते हैं। एनिमल्स नीड अदर एनिमल्स टू लिव, एक एनिमल को दूसरे एनिमल की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, तो ये किस तरीके से होती है, ये आपकी फूड चेन है। देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर में भी शो किया गया है कि ये फ्लावर्स, जैसे यहाँ पर आपका कैटरपिलर ईट्स अ लीव, एक कैटरपिलर है वो लीव को खाती है। अ फ्रॉग फ्रॉग ईट्स द कैटरपिलर, जो फ्रॉग होता है वो कैटरपिलर को खाता है। देन अ स्नेक ईट्स अ फ्रॉग, जो स्नेक होता है वो फ्रॉग को खाता है। एंड आउल ईट्स द स्नेक, और लास्ट में जो आउल होता है वो स्नेक्स को। तो ये फूड चेन उनकी चलती है। देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले कैटरपिलर है, ये लीव्स को खाती है, और कैटरपिलर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक, एंड स्नेक को आउल। ये पिक्चर में साफ साफ आपका दिया हुआ है। इसी तरीके से एक और आपकी फूड चेन है, मेक योर ओन फूड चेन फ्रॉम दीज एनिमल्स, ये भी आपको बनानी है। बी नंबर की है आपकी। सबसे पहले आपको दिखाना है कि ईट्स अ, कौन खाता है, तो ली सबसे पहले नंबर आएगा यहाँ पर, बग। अब बग क्या खाता है, बग लीव्स खाता है। तो अब बग ईट्स अ लीव, एक बग होता है जो लीव को खाता है। सबसे पहले आपकी लीव होता है, फिर थर्ड नंबर पे बर्ड्स, जो बर्ड होती है वो किसको खाती है, वो आपके बग को खाती है। बग लीव को खाता है, एंड बर्ड आपकी बग को खाती है। एंड कैट जो होती है आपकी, कैट आपकी बर्ड्स को, ये आपकी फूड चेन इसी तरीके से आपकी होती है कि लीफ जो होती है वो बग खाता है उसको, बग को बर्ड्स खाती है, और बर्ड्स को कैट खाती है। ये आपका एक और फूड चेन आपका है, ये आप इसी बुक में आप फिल कर लेंगे। रीड अ स्टोरी अबाउट अ क्लेवर मंगोज, ये क्लेवर मंगोज की कहानी है पूरी। हु डिड नॉट वॉन्ट टू बी ईटन बाई अ लिपॉर्ड, ये वह नहीं चाहता था कि लिपॉर्ड उसके उसको खाए, ये उसी के ऊपर पूरी उसी से रिलेटेड कहानी है। आ मंगोज इन अ स्मॉल एनिमल, जो मंगोज होता है वो स्मॉल एनिमल होता है, एंड द एंड जो लियोपॉड होता है इज़ अ बिग एनिमल, और स्कैरी एनिमल भी होता है, वो बड़ा भी होता है और स्कैरी भी होता है। इन द स्टोरी द मंगोज डिसाइड नॉट टू बी एफ्रेड ऑफ द लियोपॉड, जो इस स्टोरी में मंगोज डिसाइड करता है कि वो नहीं डरेगा लियोपॉड को देख कर, और वो ना उसके द्वारा खाया जाएगा। वन इवनिंग ऑल द एनिमल्स ऑफ द किंगडम केम टूगेदर फॉर अ मीटिंग, व्हाइल दे वर वॉचिंग द सनसेट दे टॉक, वेयर डज द सन गो, आज द डियर, पॉइंटिंग एट अ फॉर वे हिल्स द डियर सेट इट सीम्स एज इफ इट गोज बिहाइंड दैट हिल्स हिल एंड स्लीप्स देयर, नो इट डज नॉट गो देयर, आई हैव बीन टू ऑल हिल्स, द मंकी रिप्लाइड। Then where go it go? Asked the bear sleepily. Her voice faded away with the sudden defending roar for the leopard. The monkey climbed up a tree. The deer took a few leaps and bounds and was out of sight. The bear hid behind the bushes. All the animals disappeared. Even the birds stopped chirping. You could have heard a pin drop. One evening, एक शाम को सारे एनिमल्स जो थे ऑफ द किंगडम के, एक किंगडम के सारे एनिमल्स एक साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। वाइल दे वर वॉचिंग, जैसे ही उन्होंने देखा कि सनसेट होने वाला है तो वो आपस में बात करने लगते हैं कि उसमें से एक डियर उससे पूछता है, वेयर डज द सन गो, सन कहाँ चला गया, पॉइंटिंग एट द फार अवे, फार वे फेडेड हो गया मतलब कहाँ चला गया। द डियर सेड, डियर सर उसे पूछ रहा है कि वो हिल्स में कहाँ डिसअपियर हो गया है।
तो इट सीम्स एज इफ इट गोज बिहाइंड दैट हिल्स एंड स्लीप देयर, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि हिल्स के पीछे चला गया और वहाँ जाकर सो गया है. नो इट डज नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं गया है. आई हैव बीन ऑल दिस, मैंने सारे हिल्स को देखा हुआ है. मंकी रिप्लाई, मंकी कह रहा है कि वो वहाँ नहीं गया है, मैंने सारे हिल्स को देखा है, वो वहाँ नहीं गया हुआ है. देन वेयर डज इट गो, तब वह कहाँ गया है, बियर ने उससे पूछा. हर वॉइस फेडेड अवे, उसकी जो आवाज़ थी वो थोड़ी सी दबी, थोड़ी सी फेडेड थी. विद द सडन डिफेंडिंग रोड ऑफ द ल्यूपॉर्ड, द मंकी क्लाइंब अप अ ट्री. जैसे ही उन्होंने देखा कि अचानक से एक ल्यूपॉर्ड की रोरिंग की आवाज़ आई, तो मंकी जो क्लाइंब करके ट्री में चढ़ गया. द डियर थे टूक अ फ्यू लीप्स एंड बाउंड्स, उन्होंने डियर जो थे वो थोड़े लीप किए उन्होंने और बाउंड्स किए और जंप करके इधर उधर चले गए. एंड वॉज आउट ऑफ साइट, उस जगह से चले गए. बियर ने भी अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपा लिया. ऑल द एनिमल्स डिसअपीयर हो गए, इवन द बर्ड्स जो थे ना वो स्टॉप हो गए, चिरपिंग कर रहे थे, वो जो साउंड निकाल रहे थे. यू कुड हैव हियर्ड अ पिन ड्रॉप, पिन ड्रॉप मीन्स यू मीन दैट इट वॉज वेरी क्वाइट, मतलब कि वहाँ कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, सब कुछ शांत हो गया था. बट वॉट वॉज दिस, द मंगोज वॉज होल्डिंग हिज ग्राउंड, ही डिड नॉट मूव ए इंच. इट सो हैपेंड दैट ही हैड नॉट हैड टाइम टू स्केप, सो ही स्टूड फर्ली एंड रिकॉल्ड द स्टोरी ऑफ हाउ अ रैबिट ड्रॉन्ड अ लॉयन इन अ वॉल. द मंगोज न्यू दैट यू शुड लुक फियर इन द फेस एंड नेवर रन अवे फ्रॉम इट. द ल्यूपॉड वॉज सरप्राइज टू सी सच अ टीनी एनिमल्स नॉट फियरिंग हिम, नाइदर रनिंग अवे नॉर एफरेड. हे वाई डिड नॉट यू रन अवे वेन आई रोड, आज द ल्यूपॉड, वाई शुड आई बी एफरेड ऑफ यू. द मंगोज आंसर्ड प्रॉम्प्टली, बट वॉट वॉज दिस, बट क्या हुआ, जो मंगोज था वह वहीं ग्राउंड पर रुका रह गया, वो वहाँ से हिल नहीं पाया, ही एक भी इंच हिल नहीं पाया. वो उस अब उसके पास कोई टाइम भी नहीं था बचने का कि वो क्या करेगा, सो वो वहीं पर खड़ा रह गया और उसे वो याद करने लगा कि स्टोरी जो रैबिट की थी, जो ड्रॉन्ड ए लाइन इन अ वॉल. उसे उस स्टोरी एकदम से याद आ गई कि कैसे एक रैबिट ने एक लाइन को वेल के अंदर ड्रॉन कर दिया था. तो मंगोज ने न्यू दैट यू शुड लुक फियर, मंगोज को लग रहा था, ने सोचा कि अगर वो अपने फेस पर फियर दिखाएगा एंड नेवर रन अवे फ्रॉम इट, तो वो यहाँ से वैसे भी भाग नहीं सकता है, तो उसे अपने फेस पर फियर भी नहीं दिखाना था. जो ल्यूपॉड था वो ये सब देखकर एकदम से अचंभित हो गया, सरप्राइज हो गया कि ये छोटा सा जानवर उससे डर भी नहीं रहा है और ना ही इधर उधर दौड़ के भाग रहा है, ना ही उससे डर रहा है. हे तो वो उससे पूछने भी लगता है, हे वाई डिड यू नॉट रन अवे, जब मैंने रोर किया दहाड़ा तो तुम क्यों नहीं यहाँ से गए, वाई शुड आई बी एफ्रेड ऑफ यू. तो मंगोज उससे कह रहा है एक स्टॉम वो कि प्रॉम्प्टली मतलब इमिडिएटली बोल रहा था उससे कि मैं तुमसे क्यों डरूंगा, वाई शुड आई बी एफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे क्यों डरूंगा. तो ल्यूपॉड गॉट एंग्री हो गया, सोइंग हिज टीथ अपने दांत को दिखाने लगा. ही आस्क्ड डोंट यू नो दैट आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तुम नहीं जानते कि मैं इस फॉरेस्ट का राजा हूँ. ऑल एनिमल्स हाइड इन फियर वेयर वैन एवर आई गो, जब मैं आता हूँ तो सारे एनिमल्स डर के मारे इधर उधर छिप जाते हैं. ओ ब्रदर द एनिमल्स हाइड ऑन सीइंग यू, ओ ब्रदर आपको देख कर एनिमल्स जो सारे हैं इधर उधर छिप जाते हैं. देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दैट, द सेम हैपेंड विद मी, द मंगोज लाफ्ड. ये आपके साथ भी होता है, मुझे लगा कि ये सब कुछ मेरे साथ भी होता है, मंगोज ने हंसकर रिप्लाई किया. Now it was the leopard's turn to be surprised. अब यह leopard के कटन था सरप्राइज होने का. He asked, why did you say? What did you say? तुम क्या कह रहे हो? All the animals are afraid of you too. तुमसे भी सारे animals डरते हैं. Yes, animals hide on seeing me. Animals सारे मुझे देखकर डर जाते हैं. The mongoose ने reply किया. Can you prove it? क्या तुम इसको prove कर सकते हो? The leopard asked in a soft tone. जो leopard था उसने उससे सॉफ्ट टोन में कहा, यस ऑफ कोर्स, कम विद मी एंड सी फॉर योरसेल्फ, बट इट इज़ पॉसिबल ऑन ओनली वन कंडीशन, कम ऑन टेल मी योर कंडीशन, अर्ज द ल्यूपॉड. यस ऑफ कोर्स, मैं ये साबित कर सकता हूँ, मेरे साथ आओ
और अपने आप खुद देख लो। बट इट इज़ पॉसिबल तभी होगा जब एक कंडीशन है इसके लिए। कम ऑन टेल मी, आओ मेरे साथ और बताओ मुझे क्या है कि तुम क्या तुम्हारी कंडीशन है मुझे बताओ और तुम क्या ट्राई टू मेक दैम डू समथिंग। अर्ज मीन्स यू ट्राई टू मेक दैम डू समथिंग कि तुम क्या कहने करने की कोशिश कर रहे हो। इफ आई प्रूव्ड इट यू विल हैव टू लीव दिस फॉरेस्ट ही सेड बोल्डली। वह उसने कहा कि अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो तुम इस फॉरेस्ट को छोड़कर यहाँ से चले जाओगे। उसने ये बहुत ही बोल्डली बहुत ही ब्रेवली कहा उससे। द ल्यूपर्ड एग्री, ल्यूपर्ड जो था वो एग्री हो गया। ही वॉज श्योर दैट नो वन वुड बी अफ्रेड ऑन द मंगोज। उसे वो श्योर था कि कोई भी मंगोज को देखकर अफ्रेड नहीं होगा। इट वॉज डिसाइडेड द नेक्स्ट डे एट द सेम स्पॉट द मंगोज वुड बी पुट टू द टेस्ट। उसने डिसाइड किया कि इसी जगह सेम डे पर दूसरे दिन ये मंगोज आएगा और टेस्ट देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग एज सून एज द सन रोज फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, जैसे ही सन हिल्स के पीछे से आया, द ल्यूपर्ड अराइव द मंगोज होल। जो ल्यूपर्ड था वो पहुंच गया मंगोज के होल के पास। कम विद मी, प्रूव व्हाट यू सेड यस्टरडे, प्रूव करो कि कल तुमने क्या कहा था। फॉलो मी सेड द मंगोज, ने कहा फॉलो मी। द मंगोज वॉक अहेड व्हाइल द ल्यूपर्ड फॉलोड बिहाइंड। एज यूजुअल द ल्यूपर्ड रोड राउंडली एंड एज ही वॉक्ड, वेन एवर दे वेंट एनिमल्स रैन हियर एंड देयर। द मंगोज बोस्टेड केयरफुली, हैव यू नोटिस्ड एवरीवेयर आई गो एनिमल्स रन अवे इन फ्राइट। द ल्यूपर्ड कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई दिस वॉज हैपनिंग, ही साइलेंटली बोर्ड हिज हेड एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट। द मंगोज गेव अ साइग ऑफ रिलीफ। फॉलो मी सेड द मंगोज, ने उससे कहा। एंड मंगोज वॉक्ड अहेड व्हाइल द ल्यूपर्ड, और वो उसके आगे चलने लगा, फॉलोड बिहाइंड। एज यूजुअल द ल्यूपर्ड जैसे ही रोर कर रहा था तो सारे, और वो वॉक कर रहा था और रोर कर रहा था, तो सारे एनिमल्स इधर उधर रन करने छुपने लगे एक जगह। जो मंगोज था वो एकदम से बूस्ट होकर मतलब प्राउडली बोलने लगा, देखा तुमने, हैव यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया, एवरीवेयर सब जगह आई गो, जहाँ मैं जा रहा हूँ एनिमल्स रन कर रहे हैं और मुझसे डर कर इधर उधर छिप रहे हैं। द ल्यूपर्ड समझ नहीं पा रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ही साइलेंटली अपनी गर्दन नीचे झुकाता है एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट को छोड़कर चला जाता है। द मंगोज गेव अ साइड ऑफ रिलीफ, तब मंगोज एक रिलीफ का साइड लेता है। आपका चैप्टर ये यहाँ से कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। आपको लेकिन जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरी है इस चैप्टर में, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। थैंक यू।